आज के वीडियो में आपको प्रियंका चोपड़ा की सरोगेसी के रीजन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी के थ्रू बेबी गर्ल की मदर बनी है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने फैंस के साथ ये न्यूज शेयर की थी और साथ में लिखा था, वी आर ओवरजॉयड टू कंफर्म दैट वी हैव वेलकम्ड अ बेबी वाया सरोगेट। वी रिस्पेक्टफुली आस्क फॉर प्रिवेसी ड्यूरिंग दिस स्पेशल टाइम एज वी फोकस ऑन आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। प्रियंका के फैंस ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं उनके फैंस ये भी जानना चाहते थे कि प्रियंका ने बेबी के लिए सरोगेसी को ही क्यों चूज किया, और सरोगेसी के पीछे कहीं उनकी इनफर्टिलिटी तो रीजन नहीं है। बट अब इस बारे में बहुत सी न्यूज सामने आ रही हैं, और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि प्रियंका बिल्कुल फर्टाइल है और उनकी इनफर्टिलिटी का कोई भी इशू नहीं था। बट जो इशू था वो प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एज को देखते हुए ये डिसीजन लिया, क्योंकि प्रियंका इस समय 39 इयर्स की हैं और इस एज में प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल होती है। और प्रियंका चोपड़ा ने कई डॉक्टर से इस बारे में बात की और सारे डॉक्टर से डिसीजन लेने के बाद वो इस डिसीजन पर पहुंची कि उन्हें सरोगेसी के थ्रू ही बेबी चाहिए, और अगर वो नेचुरली कंसीव कर भी लेती तो बेबी को 9 मंथ्स कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस एज में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सेकंड रीजन ये भी था कि प्रियंका और निक जोनास बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और इस बिजी स्केड्यूल के होते हुए उनके लिए नेचुरल वे में बेबी प्लान करना इजी नहीं था। उन्हें बेबी प्लान करने के लिए पूरा एक साल चाहिए था, जो वो अपने बिजी स्केड्यूल से निकाल नहीं सकते थे। इसलिए प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एज को देखते हुए सरोगेसी को ही चूज किया और सरोगेसी के थ्रू ही बेबी को वेलकम किया। प्रियंका चोपड़ा चाहती थी कि वो सरोगेसी के थ्रू मदर बने ताकि उनके बेबी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और उनकी हेल्थ भी ठीक रहे, और साथ में वो अपनी फिटनेस को भी ख्याल रखती थी और अपनी बॉडी शेप को भी खराब नहीं करना चाहती थी। और प्रियंका चोपड़ा अपने इस डिसीजन पर बहुत ज्यादा खुश भी हैं और अपना ये समय वो अपनी बेबी गर्ल के साथ गुजार रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि उनकी बेबी गर्ल इस समय हॉस्पिटल में है और उन्हें सबसे ज्यादा प्रियंका चोपड़ा की जरूरत है। आपको प्रियंका चोपड़ा के सरोगेसी के रीजन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।